तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉपर्टीज एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी। जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप से व्यक्त की जाती है तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगली डेफिनेशन से हैं गणित की वह ब्रांच जिसमें घटनाओं के घटित होने की संभावना का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इस थ्योरी का जन्म जुआ के खेल से हुआ। किसी असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है वह शून्य होती है, एक निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है वह एक होती है। इसका सूत्र है PE, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभावित परिणामों की संख्या। इसका एग्जाम्पल है यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम जो है हेड और टेल है, अतः संभावित परिणामों की कुल संख्या जो है 2 है और चित्त आने के अनुकूल परिणामों की संख्या जो है 1 है। अतः प्रोबेबिलिटी यानी PE अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो PE अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 और कुल परिणामों की संख्या है 2। PE बराबर 1/2। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट, वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके परिणाम किसी नियम का पालन न करे वह रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे किसी पासे को फेंकना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इस पर 6 फलक होते हैं जिस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकित रहते हैं। इसे फेंकने पर कौन सी संख्या आएगी इसकी निश्चितता नहीं है। उसी प्रकार थैले में रखे विभिन्न रंगों की गोलियों में से एक गोली निकालना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। प्रोबेबिलिटी इस पे किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से प्राप्त सभी संभव परिणाम को प्रोबेबिलिटी स्पेस कहते हैं। इसे प्राय एस से व्यक्त किया जाता है। जैसे पासे को फेंकने से बना प्रोबेबिलिटी स्पेस जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सिक्के को उछालने से बनी प्रोबेबिलिटी स्पेस जो है हेड और टेल। दो सिक्के को उछालने से बनी प्रोबेबिलिटी स्पेस हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। अगला है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बार बार रिपीट हो तथा उसका रिजल्ट सेम हो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। थर्ड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी इवेंट। सिंपल स्पेस के सब सबसेट को इवेंट कहते हैं। इसमें फर्स्ट है एलिमेंट्री इवेंट जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। अगला है इम्पॉसिबल इवेंट। वैसा इवेंट जिसमें एक भी अवयव नहीं हो वह इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। अगला है कंपाउंड इवेंट। वैसा इवेंट जिसमें एक से अधिक अवयव हो कंपाउंड इवेंट कहलाता है। अगला है सर्टेन और श्योर इवेंट। ऐसा अवयव जिसमें इवेंट निश्चित होता है उसे श्योर इवेंट कहते हैं।